पटना विश्वविद्यालय में स्नातक जनरल और वोकेशनल कोर्स में सत्र 2022 के लिए नामांकन प्रक्रिया 2 मई से शुरू होने वाली है, जिसके लिए 1 मई को ही देर रात 12 बजे के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। शुक्रवार को पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज में देर शाम तक नामांकन को लेकर प्राचार्य प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नामांकन को सिलसिलेवार ढंग से और पारदर्शी तरीके से किए जाने पर काफी देर तक विचार विमर्श किया गया। प्राचार्य के द्वारा कॉलेज के अन्य शिक्षकों से इस संबंध में सुझाव भी लिए गए। नामांकन के लिए एक कंबाइंड परीक्षा भी होगी। बता दें कि स्नातक नामांकन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 18 जून को किया जाएगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार के मुताबिक इनमें जनरल और वोकेशनल कोर्स के लिए एक ही दिन अलग अलग समय पर एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। वैसे फाइनल निर्णय नोडल संस्थान लेगी कि किस प्रकार से उक्त दोनों कोर्स के लिए टेस्ट आयोजित कराने हैं, जिस पर विचार चल रहा है। दोनों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। दोनों कोर्स के लिए छात्र अलग अलग आवेदन भी करेंगे। जनरल कोर्स में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए 40 अंकों का GS और फिर संबंधित विषय होगा, जिनमें वे ऑनर्स करना चाहते हैं उससे 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार वोकेशनल कोर्स में 100 अंकों के सामान्य प्रश्न सभी के लिए कॉमन होंगे। वही कोरोना की चौथी लहर की आशंका को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग पर भी विचार चल रहा है। हालांकि अभी निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर कोई ठोस निर्णय कर गाइडलाइन भी जारी होगी। छात्रों को आवेदन के दौरान ही सभी प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। दूसरी तरफ पटना विश्वविद्यालय में PG के लिए 1 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा। 20 जुलाई तक छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। PG में जिनमें लिखित परीक्षा का प्रावधान है, वह 25 से 26 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट होगा। वहीं जिनमें स्नातक के अंक के आधार पर नामांकन होना है, उसमें विषयवार मेरिट लिस्ट जारी कर नामांकन लिया जाएगा। LLB का एंट्रेंस टेस्ट 18 जून को होगा। नामांकन के लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त तक है। 1 सितंबर से सत्र प्रारंभ होगा। साथ ही पटना विंस कॉलेज में नए सत्र के नामांकन के लिए 1 मई से 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। जो फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और सत्र 2022-23 में छात्राओं का नामांकन एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा। एंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई होगी। कॉलेज ने विभिन्न कोर्सेज में नामांकन के लिए क्वालिफिकेशन और एंट्रेंस टेस्ट की तिथि और समय भी जारी कर दिया है। बता दें कि फॉर्म का शुल्क 1,100 रुपए होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।